लोग जुलूस और ताजिया वगैरह लेकर चलते। ये इमाम हुसैन और हसन की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है, क्योंकि इमाम हसन और हुसैन इस माना एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई में इन्होंने लड़ाई किया है और उसी की याद में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना काल के वजह से ये त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था। इस साल काफ़ी जोश व खरोश के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और आप तमाम भाइयों में हर लोगों में हर तरह के लोग यहाँ आप देख सकेंगे। यहाँ हर कम्युनिटी के लोग आपको इस मेले में दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ एक गंगा जमुनी तहजीब के साथ हम लोग हमेशा से गाजीपुर में ये त्यौहार, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम लोग इसको मनाते आए हैं और आगे भी इसको मनाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अफजल उदा हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता। 2 साल के बाद सचमुच में हो रहा है। इस बार जो है बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में और भीड़ उत्साह भी जुटा हुआ गाजीपुर में। कितना उत्साह है आप लोगों में? उत्साह तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग उत्साहित हैं, क्योंकि वो अपने सामने बात त्यौहार देख रहे हैं। ये कम से कम जो है 10 दिन से ताजिया तैयारी किया जाता है, 10 दिन के बाद ही ताजिया तैयार होता है। लोग की मम्मी को तब इसका सेवा होना सब किया जाता है इसमें। और आज के दिन जो है तलाम का समय है, क्योंकि केला जो वगैरह उसमें रहता है कफन कफन, वो बीमा मैदान में यानी बाजार के पास में दफन किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल निवासी गाजीपुर। इमाम हुसैन और हसन की याद में इस बार जो निकाला गया ताजिया और जुलूस का करते हैं, काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मौका मिला मनाने का और काफ़ी इंजॉय के साथ लोग मना रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं। और हम लोगों को क्या कहते हैं, तमाम प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिला है और क्या कहते हैं, हर अखाड़े पर जोश खरोश देखा जा रहा है मुहर्रम के मौके पर। और जाने और लोग इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, लाठी का खेल दिखाना, ताजिया और निशान का करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखे हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग सबको करते दिल से मुबारकबाद देते हैं इस तरीके का खेल और प्रदर्शन करने का मौका मिला। क्या नाम है? मैं डॉक्टर पप्पू एजाज, जदयू नेता तारापुर।